बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद, और आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई राइस, जो नुक्कड़ की लारियों पे बनता है, ढाबे या रेस्टोरेंट में मिलता है। तो बिल्कुल बाजार जैसा चिकन फ्राई राइस घर पे आसान तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने 300 ग्राम चिकन लिया है, तो आप हड्डी वाला या बिना हड्डी वाला कोई भी चिकन ले सकते हो, लेकिन हमें चिकन के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब इसमें हम मसाला लगा लेते हैं। एक चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे स्वाद के मुताबिक। एक बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे, और एक चम्मच हमें तंदूरी मसाला लेना है इसमें। तंदूरी मसाला डालने से चिकन अच्छी तरह से गल जाता है। इन सब मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसाला लगा लिया है मैंने। अब इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि चिकन में पूरे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। आधा घंटा हो चुका है, चिकन में हमने जो मसाला लगाया था वो अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसे हमें फ्राई करना है। देखिए चिकन को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम हम मीडियम करके इसे फ्राई करेंगे, और एक एक पीस इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम पलट कर सब जगह से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे हम, और बाकी के बचे हुए चिकन को भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और गैस को हमने बंद कर दिया है, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चिकन फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब झटपट से हम फ्राई राइस बना लेते हैं। तो चिकन को तो हमने फ्राई कर लिया है, अब चावलों की तरफ आते हैं हम। तो यहाँ पर हमने सेला बासमती राइस लिया था, और इसे पूरी तरह से हमने पका लिया है। तो जिस तरह से हम बिरयानी के चावल को पकाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें ज्यादा पानी डालकर इसे पूरी तरह से पका लेना है। तो आप देख सकते हो कि कितने खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए है। चावल जब पक जाए तो उसके बाद हमें इसका सारा पानी छान लेना है, और इस पर थोड़ा ठंडा पानी डाल देना है। इससे क्या होता है कि एक एक चावल हमारा खिला खिला रहता है। तो चलिए अब चिकन फ्राई राइस बना लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बड़ी सी कढ़ाई हमारे बड़ौदा शहर के मंगल बाजार से 300 रुपए में खरीदी है। तो जो ढाबे पर और रेस्टोरेंट में या लारियों पर चाइनीज आइटम मिलती है, या चिकन फ्राइड राइस बनता है, या नूडल्स बनती है, या ड्राई मंचूरियन बनता है, तो इसी तरह की पतली जो कढ़ाई होती है, ये बड़ी साइज की, इसी कढ़ाई पर वो लोग बनाते हैं। तो इसे तेज आंच पर बनाया जाता है। तो आप भी याद रखिए कि जब भी आप चिकन फ्राइड राइस बनाए तो इसे तेज आंच पर ही पकाए, क्योंकि उसे तेज आंच पर ही पकाया जाता है। तो देखिए कितनी पतली है। अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई ना हो तो आप घर की कोई भी नॉर्मल कढ़ाई पे बना सकते हो आराम से। तो चलिए फ्राइड चिकन राइस बना लेते हैं बड़ी सी कढ़ाई पर, बिस्मिल्लाह। अब जो हमने चिकन फ्राई किया है बस वही तेल ले लेंगे हम। तो दो चम्मच तेल डाल रही हूं मैं। अब इसमें हमें चार अक्खी लाल मिर्च डालनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पतली सी कढ़ाई है तो फटाफट से बन जाती है। तो जो भी वेजिटेबल और जो भी आप चीजें डालें तो उसे पहले तैयार रखें, तो फटाफट से आपके फ्राई चिकन राइस तैयार हो जाएंगे। मिर्ची को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, और गैस की फ्लेम मैं धीमी कर देती हूँ। इसके बाद हम तेज आंच पर इसे पकाएंगे। तो इसमें मैं दो अंडे डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें गैस की आंच को तेज कर देनी है, और तेज आंच पर हमें इसे पकाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने तीन बड़े चम्मच भर के बारीक कटे हुए लहसुन लिए हैं। तो लहसुन तो इसमें ज्यादा ही पड़ते हैं, तो जब ही जाकर चिकन फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये डाल देंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक बड़ा टुकड़ा अदरक लिए हमने,
इसे हमने बारीक क्रश कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज की प्याज ली थी, इसे इस तरह से मोटा मोटा काट लिया, ये डाल देंगे। और साथ ही में हमने यहाँ पर गाजर लिए है, तो गाजर को इस तरह से पतली पतली स्लाइस कर लिए। गाजर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें आप इसमें। थोड़ा चिकन का बचा हुआ तेल डाल रही मैं इसमें। गाजर को थोड़ा पकने टाइम लगता है, इसीलिए गाजर को थोड़ा सा हम इसमें पका लेंगे। अब यहाँ पर हमने देखिए 5 से 6 हरी मिर्च लिए, इसे क्रश कर लिया, ये भी डाल देंगे। सारी प्रोसेस को हमें तेज आंच पर ही करनी है, तेज आंच पर इसे पकाया गया। बस 1.5 से 1 मिनट हमें इस तरह से पका लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने आधी शिमला मिर्च ली थी, जिसे इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस कर लिए, ये डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, तो चिकन में भी हमने नमक लिया है और हम इसमें थोड़े सॉसेस डालने वाले हैं, उसमें भी नमक होता है, तो नमक को आप देखकर डालें। अब ये फ्राई किए हुए चिकन डाल देंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर हमने बारीक बारीक गोभी को पतली काट लिया है, पत्ता गोभी जो होती है इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, ये डालेंगे। पत्ता गोभी को हमें इसे चिकन डालने के बाद डालना चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत जल्दी से नरम हो जाती है। मिक्स कर लेंगे इसे। सारी सब्जियां आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें शिमला मिर्च और जो हरी प्याज होती है और लहसुन, ये तो हमें ज़रूर डालना है। गाजर अगर आपके पास हो तो डालें, वरना कोई बात नहीं, मगर शिमला मिर्च और हरी प्याज को हमें इसमें ज़रूर शामिल करना है। अब इसमें हम चावल डालेंगे उबले हुए। देखिए बहुत ही बढ़िया खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं। तो 2 प्लेट चावल ली हूँ मैंने इसमें। अब देखिए यहाँ पर चिली सॉस जो बाज़ार में आराम से मिल जाता है, इस तरह का होता है, तो 2 बड़े चम्मच ले लिए मैंने। इसमें थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे, ताकि ये चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमने ग्रीन चिली सॉस लिया है, ये भी बाज़ार में आराम से मिल जाता है, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालकर डालेंगे। एक बार मिक्स कर देंगे हम इसे, ताकि नीचे से मसाले हमारे जले नहीं, क्योंकि ये पतली सी कढ़ाई होती है, तो जल्दी से चावल जलने लगते हैं, तो फास्ट फ्लेम पर हमें फटाफट से इसे तैयार कर लेना है। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के सोया सॉस डालेंगे। अब 1 चम्मच हम शेजवान चटनी डालेंगे। अगर आपके पास शेजवान चटनी ना हो, तो आप घर में जो सूखी अक्खी लाल मिर्च होती है, उसे लहसुन डालकर, पानी डालकर और नमक डालकर पीस सकते हो, तो ये चटनी भी आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें शेजवान चटनी डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसमें हरी प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई। अब 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इस पर। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर आया है, जिस तरह से लारियों पर चिकन फ्राइड राइस बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह के दिख रहे हैं हमारे राइस। इस टाइम पर आप नमक को चेक कर लें कि नमक आपने बराबर डाला है कि नहीं इसमें, और तेज आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हम पका लेंगे। लास्ट में हम इस पर 2 चम्मच विनेगर का डालेंगे। जो लारियों पर चिकन फ्राइड राइस बनता है, उसमें वो लोग अजीनोमोटो को ऐड करते हैं,
मगर हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि वो डालने से थोड़ा अनहेल्दी होता है। आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप बनाओगे तो आपके भी बिल्कुल लारियों पर, ढाबे पर या फिर उस फ्रीज में मिलते हैं उसी तरह के चिकन फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं हमारे चिकन फ्राइड राइस। तो देखिए गर्मा गर्म हमारे चिकन फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है और बहुत ही प्यारा कलर आया है माशाल्लाह। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बिल्कुल हमने इसे स्ट्रीट में जिस तरह से लारियों पर चिकन फ्राइड राइस बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाया है। तो आप भी अगर इस रेसिपी को देखकर बनाओगे तो इंशाल्लाह आपके भी चिकन फ्राइड राइस इसी तरह से टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। जो हमने इसमें चिकन डाला था फ्राई करके वो चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, पक चुका है और बहुत ही टेस्टी जूसी बना है। चलिए इसे गरम गरम हम सर्व कर लेते हैं। आपको मेरी आज की चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।